अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखें, आमिन सुमामिन। तो ये जो व्लॉग है ये SOS विलेज का है। तो हम लोग गए थे, पहले तो गए थे ना एक दफ़ा, लेकिन काफ़ी रात को गए थे, तो जिसकी वजह से हम लोग बच्चों से नहीं मिल सके थे और सही तरह उधर हम लोग विज़िट नहीं कर सके थे। तो फिर हम लोग सुबह में गए थे, लेकिन मामा नहीं गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं अपने मामू के साथ गई थी। तो हम लोग यहाँ पर गए थे, तो बच्चों से काफ़ी हमने बातें की। चले आप इनके साथ। अच्छा सर, फिल्म किस नाम से बनवाएंगे? कैसे लगी ये चोट, कैसे लगी आपको? कैसे, क्या हुआ, चोट लगी? आप लोग के क्या नेम थे? और आपका? रहमान। आप लोगों का? अच्छा, तो छः बज गए। अच्छा, आपने रोज़ा रखे? रोज़ा रखा है? आपका नेम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप कितने पे आ रहे हो? अब्दुल्ला कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। नर्सरी में? कौन से स्कूल जाते हो? एसओएस। वॉच कितनी प्यारी, दिखाओ। मेरे पास भी वॉच है। मेरी भी प्यारी है, ये चलती है। अच्छा, टाइम देखना आता है? टाइम देखना आता है? आप लोगों के क्या नेम थे? और आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। और आपका? राया। आपका? सकीना। अच्छा, आप? दीरा। अच्छा, और आपका? शाह। आप लोगों ने रोज़ा रखा है? यस। अच्छा, सारे रखे हैं? नो। लोगों ने देखा ये बच्चे कितने प्यारे और मासूम हैं, और इनको देख के तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा इन पे तरस आता है, इतने प्यारे बच्चे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनको अच्छी जगह पे रखा गया है। इनका सारा हमने विज़िट किया है, तो बहुत ज़्यादा इनको अच्छी तरह से हर मतलब के सहूलियत जो है वो मैसर की गई है इनको, तो बहुत अच्छा था। 2-3 ईयर से लेके 24 ईयर। अच्छा, ये सारा भी स्कूल आपने बनाया हुआ सारा? जी जी, मैट्रिक तक अंदर ही स्कूल है, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज बच्चों का एडमिशन जब होता है। कौन? टफ यूनिवर्सिटी। टफ यूनिवर्सिटी हमें 50% ऑफ करती है। ठीक है, ये आने मामू और यहाँ पर जो है, फिर हम लोगों ने अली मामू और मैंने जो है फिर कुछ डोनेशन बच्चों को भेजा। हमें ऐसे तमाम इदारों के लिए ना कुछ अपने बसात के मुताबिक करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग करेंगे तो हमें देख के दूसरे करेंगे और अवेयरनेस पैदा होगी। ये ज़रूर, चाहे आपके पास थोड़ा है
शुरुआत तो करें ना, थोड़े से ही करें। ये मेरे अली भाई जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अक्सर ऐसे फलाही काम बहुत ही शौक से करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। इनको देख के हमें भी बहुत जोश उठता है कि हम भी कुछ करें, तो बहुत अच्छी बात है जी। और यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट रही थी, और इसके बाद जो है, और हम लोगों ने बच्चों के साथ इतना इंजॉय किया है बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियोस में क्लिप्स में कि हम लोग कितना, और वो इतना खुश हो रहे थे जैसे वो लोग तरसे होते कि कोई आए हमसे मिले, तो उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बच्चे तो प्यार के होते हैं ना, जो प्यार करे उसे अपना समझते हैं बस जी। और वो काफ़ी छोटे बच्चे हैं ना अभी, उनको इतना नहीं पता कुछ भी, तो बहुत मासूम बच्चे हैं वो, तो उनके उनके साथ टाइम स्पेंड करना वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो करना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, इंशाल्लाह बंदा थोड़ा करे, लेकिन ये कि उनसे हर महीने चलो मिल ले, थोड़ा थोड़ा पैसे कर ले, लेकिन उनसे आके मिले और अपनी हैसियत के मुताबिक उनको दे जी। और इनके रूम्स चेक करें माशाल्लाह, ये इनका ना हाउसेस हैं, इधर 16 हाउसेस हैं, और हर हाउस में जो है ना 8 to 10 जो हैं चिल्ड्रन वो रहते हैं इधर, तो ये आप देखें कितने अच्छे फर्निश्ड हैं। एक एक मदर भी रखी हुई है ना, और एक एक मदर, और देखें मैनर्स वाले कितने हैं, नीट क्लीन हाउस। इतना तो मैनर्स कभी हम लोग घर में नहीं शो करते, लेकिन ये देखें हर चीज़ प्रॉपर सेट, और हर चीज़ रखी हुई है, टॉयज रखे हुए हैं, प्लेग्राउंड है इनके लिए, और देखें सारे यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। और हमें इनकी सब कोशिशों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे मुल्क में माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा काम है जी, कि इतने सफाई सुथराई का ख्याल, बच्चों के एहसास का ख्याल किया जाता है जी, और सारे डोनेट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े बड़े इदारे इनको दे रहे हैं और नाम भी शो नहीं करते, बड़े अच्छे, हमें बड़ी खुशी है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही अभी हम लोग गए थे तो यहाँ पर इधर इफ्तारी जो है वो अरेंज की हुई थी ज़िया फाउंडेशन वालों ने, तो मतलब हर कोई जो है वो इनको अच्छे से डोनेट करता है, और माशाल्लाह। और ये नहीं कि यहाँ पर डोनेशन आ रही है और यूज़ ना हो रही हो, आप इनके रूम्स, इनके ड्रेसेस और हर चीज़ से देख सकते हैं कि माशाल्लाह वो बच्चों पे लगा भी रहे हैं। ये नहीं कि हम सोचें कि इनको बहुत ज़्यादा डोनेशन आती है तो ये पता नहीं वेस्ट कर देते हैं या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बच्चों को देखें कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, और हम लोग अचानक गए थे, और पहले भी अचानक गए थे, और तमाम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो खेलते भी हैं बच्चे, पढ़ते भी हैं, सब कुछ जी। और बच्चे खुश रहते हैं इधर, मैंने ये नोट किया है कि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ये नहीं कि वो उदास हों या कुछ ऐसे नहीं, फ्रेंड्स की तरह, बहन भाइयों की तरह रहते हैं, तो उनको तो एक फैमिली क्रिएट हो चुकी है ना उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगा था मुझे ये जी। हाँ जी, और अब हम लोग जो हैं बस विज़िट कर रहे थे थोड़ा सा, हमारी भी इफ्तारी का टाइम होने वाला था तो हम लोग भी बस जाने लगे थे जी। ये मेरे बगैर गए थे, लेकिन देख के बाद में मुझे ज़रूर फील हुआ कि काश मैं भी चली जाती आज भी, तो बहुत ही अच्छा फील होता है उनमें जाके ना, मज़ा आता है जी, प्यार बहुत करते हैं बच्चे। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आगे से आगे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।